नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक का अहम फैसला। जजेस की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को अदालत के हसास मकामात पर तैनात करने का हुक्म। सिक्योरिटी अहलकार अदालती वक्त के दौरान फारिग बैठे रहते हैं, इस दौरान हसास मकामात पर ड्यूटी दें, जस्टिस अनवारुल हक का हुक्म। छह अफराद के कत्ल का केस, एमएनए आबिद रजा की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हाई कोर्ट ने मुदई से राजीनामे की बुनियाद पर बरी किया आबिद रजा का मौकफ। ट्रायल कोर्ट का फैसला अकल अदम करार देने की सजा। शहर में डाकू राज बरकरार, कैवेलरी ग्राउंड में शहरी लुट गया। डाकू 2.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लेकर फरार। मजाहमत पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी अल्ताफ पर छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। तश्वीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। इमरान खान खुद को खिलाड़ी कहते हैं, ये खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है, इससे कौम को बचाना है। कौम पर रातों रात 900 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। पंजाब असेंबली के गेट पर ताला, जमहूरी रवायात पर ताला है। स्पीकर के ओहदे पर बरा जुबान परवेज इलाही ने पंजाब बैंक पर 22 अरब का डाका डाला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का खिताब, कहा अगर मरियम नवाज जेल जा सकती हैं तो हौसला करो, अलीमा खान के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। नियाजी साहब, एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू करो। पंजाब असेंबली का गेट ना खोलने पर ऑपोजिशन का सड़क पर ही एहतजाजी इजलास। राणा मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत इजलास में लीगी अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। राणा इकबाल कहते हैं, हम कोई दहशत गर्द नहीं जो गेट नहीं खोला जा रहा, कानून पर अमल करना जानते हैं, आइन के मुताबिक एहतजाज करना हमारा हक है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अफसोसनाक करार दे दी। ऑपोजिशन ने एहतजाजी इजलास आज तक के लिए मुअख्खर कर दिया। पंजाब असेंबली पर धावा बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। अब्बा जी के बाद बेटे जी की भी बारी आने वाली है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का ऑपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल, बोले इबरतनाक हशर होगा, इनकी जायदादें बेचना पड़े, अकाउंट सीज करना पड़े, एक एक पैसे वापस लेंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मियां हसन और दीगर चार मुलजिमान शामिल तफ्तीश। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस एहलकारों की भी गलती मंजरे आम पर आ गई। जराए के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस को कार्रवाई के लिए हदायत कर दी गई। वाहगा बॉर्डर पर कस्टम और एएनएफ स्टाफ की मुश्तरका कार्रवाई। भारत स्मगल की जाने वाली 16.5 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन बरामद। आलमी मार्केट में हीरोइन की मालियत 15 करोड़ से जायद है। हीरोइन इंतहाई महारत से ट्रेन के पहियों के साथ मौजूद खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जेरे एहतमाम निश्तर कॉम्प्लेक्स में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान बैडमिंटन के सेक्रेटरी जनरल वाजिद अली और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब आमिर जान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और स्कैंडल क्वीन मीरा का एक और स्कैंडल। डिफेंस में शहरी का अदाकारा पर घर पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम। शहरी की सिविल कोर्ट में मीरा से कब्जा वागुजार कराने की इस्तदा।